जी, द डेवलपमेंट ऑफ म्यूजियम्स, द कन्विक्शन दैट हिस्टोरिकल रेलिक्स प्रोवाइड इनफेलिबल टेस्टिमनी, जो सबूत प्रोवाइड करते हैं हिस्ट्री के अंदर, जो चीजें हमें सबूत प्रोवाइड करती हैं अबाउट द पास्ट इज रूटेड इन द 19th एंड अर्ली 20th सेंचुरी, तो वो चीजें हमें कहाँ से मिलती हैं जी, 19वीं और 20वीं सदी से, when science was regarded as objective and value free, जब साइंस को लिया जाता है ऑब्जेक्टिव के तौर पे और वैल्यू फ्री के तौर पे, as one writer observes, जैसा कि एक राइटर ऑब्जर्व करता है, although it is now evident that artifacts are easily altered as chronicles, जी एक राइटर है वो ये कहता है कि अगरचे आजकल इट इज नाउ एविडेंट, ये चीज पाए सबूत को पहुंची है, आज तक ये चीजें वाजिया हैं। अच्छा ये लिखें, जो आप लिखते हैं ना राइटिंग के अंदर इट हैज बीन ऑब्जर्व्ड, उसके नीचे लिखें इट इज नाउ एविडेंट, इट इज नाउ एविडेंट, ये फ्रेज लिख लें फॉर्मेट के अंदर लिखने के लिए, प्रॉब्लम सॉल्यूशन वाले फॉर्मेट के अंदर, या वहां पे जो आप लिखते हैं एग्री डिसएग्री के अंदर लिखते हैं, या इट इज ऑब्जर्व, इट इज बीइंग ऑब्जर्व लिखते हैं ना, इट इज नाउ एविडेंट, ये भी लिख लें आप, उसके बाद इसको हम देखते हैं कि जो आर्टिफैक्ट्स हैं उनको बड़े आराम से तब्दील किया जा सकता है, जैसा कि हम तारीख को तब्दील कर लेते हैं, पब्लिक फेथ इन देयर वेरेसिटी एंड्योर्स, जी एंड्योर किसको कहते हैं जी नईम साहब, एंड्योर्स किसको कहते हैं, एंड्योर टू बियर, बर्दाश्त करने के मानी में ले रहे हैं, हाँ जी हाँ जी, किसी चीज की जो कैपेसिटी होती है बर्दाश्त करने की, मिसाल के तौर पे मेरी बर्दाश्त कितनी है तो उसमें मेरी एंड्योरेंस कितनी है, इसी तरीके से कोई स्प्रिंग है तो उसकी एंड्योरेंस कितनी है, कितनी वो झटका बर्दाश्त कर सकता है, तो ये एंड्योरेंस, और एक सेकेंड जस्ट वन, veracity, the quality of being true, the habit of telling the truth, synonym hai iska jo truth, truthfulness, chalein ji wapas aate hain, wo ye kehta hai ki although it is now evident that artifacts, cheezon ko tabdeel kiya ja sakta hai, tareek ko bhi, uski date sheet ko bhi tabdeel kiya ja sakta hai, logon ka jo faith hai truthfulness ke andar, veracity ke andar endures, वो बेसिकली उसका टेस्ट लिया जा रहा है या उसको टेस्ट किया जाता है, आगे कॉलन डाला हुआ है, अ टेंजिबल रेलिक्स सीम्स आइफो फैक्टोरियल, ठीक है जी जी, रेलिक का वर्ड का क्या मीनिंग लिखा था आपने, ट्रेडिशन, अ ट्रेडिशनल सिस्टम दैट हैज सर्वाइव फ्रॉम द पास्ट जी, और टेंजिबल का मतलब सर इसका नहीं देखा था, टेंजिबल कहते हैं सर इसका होल मीनिंग होगा मूविंग रियल कंडीशन, हाँ जी जो इसको टच किया जा सकता है ना, टेंजिबल वो चीजें जिसको जिसमें विजडम है वो टेंजिबल नहीं है, लेकिन टेबल टेंजिबल है, सोफा टेंजिबल है, पर्सन टेंजिबल है, ठीक है, अब ये उन्होंने एक उसके टर्मिनोलॉजी यूज की हुई है, सच कन्विक्शन वॉज अंटिल रिसेंटली रिफ्लेक्टेड इन म्यूजियम डिस्प्लेज, अब ये जो चीजें हैं ये Until recently, अब तक reflected in museum displays, museum के अंदर मिलती हैं. Museum used to look and some still do. जी, museum नजर आते हैं. ये enclosing detail है. जैसे दो कॉम है ना, आज का लेक्चर डैशेस के ऊपर होगा, डैशेस का इस्तेमाल कैसे करना है राइटिंग के अंदर, तो यहाँ पे आप ये समझें enclosing detail जैसे हम लोग करते हैं. Museum used to look much like storage rooms of objects packed together in showcase. म्यूजियम जोन से हैं वो ऐसे लगते हैं जैसे कि स्टोरेज रूम है, चीजें इकट्ठी की हुई हैं, ऑब्जेक्ट्स मौजूद हैं, पैक टुगेदर इन शोकेस, शोकेस में रखे हुए हैं, गुड फॉर स्कॉलर्स हु वांटेड टू स्टडी द सटल डिफरेंसेस इन डिजाइन बट नॉट फॉर द ऑर्डिनरी विजिटर्स टू होम इट ऑल लुक्ड अलाइक, अब ये बनेगी इनके लिए स्पेशल एक्सपर्ट्स के लिए, म्यूजियम जो उनसे ऐसे लगता है जैसे एक शो केस है जिसमें चीजें पड़ी हैं और स्पेशल लोग ही उस पर जाते हैं, स्कॉलर जाते हैं, वो उनको देखते हैं, लेकिन आम आदमी को उसकी कुछ समझ नहीं आती,
Similarly, the information accompanying the objects often made little sense of the lay visitor. Layman, आम आदमी. इसी तरीके से information जो इन ऑब्जेक्ट से मिलती है often made little sense. वो आम बंदे को उसकी थोड़ी बहुत ही समझ आती है, इतनी ज्यादा नहीं आती. The content and format of explanations dated back to a time when the museum was exclusive domain of scientific researchers. जी, जो content और format है जो explanation का dated back, वापस जाते हम तारीख पे, उस वक्त जबकि museum जो उनसा था was exclusive domain, वो सिर्फ और सिर्फ उन लोगों के लिए था जो scientific researchers थे, जो research करते थे उनके लिए. तो यहाँ पे एक तो उन्होंने बता दिया आर्टिफैक्ट्स के बारे में बता दिया, और दूसरी बात ये है कि कौन से लोग इसके अंदर इंटरेस्ट लेते हैं. ये छोटी सी यहाँ पे आप एक दो वर्ड्स के अंदर लिख लें कि इस पैराग्राफ में क्या डिस्कशन की गई है. हेडिंग तो आपने लिख ही लिया, उसके साथ ये भी लिख लें कि ये ज्यादातर उन लोगों के लिए है जो कि एक्सपर्ट्स हैं, आम आदमी के लिए नहीं, ये बात की है. चलें जी, बी पैराग्राफ में हम आते हैं. जी, रिसेंटली हाउवर एटीट्यूड्स टुवर्ड्स हिस्ट्री, जस्ट वन मिनट प्लीज. पता नहीं बंदा कहीं बाहर निकला हुआ, मैं उसको देख रहा हूँ, आ जाऊंगा. अगर स्लेट पेंसिल है जी, रख दीजिए. ये बस मिल गई, ठीक हो गया, सॉल्व जी. वेयर आई वाज, वेयर आई वाज, वेयर आई वाज. अच्छा जी, सो आई वाज डिस्कसिंग के हाँ, पैराग्राफ हम बी के ऊपर आ गए जी. रिसेंटली हाउवर एटीट्यूड्स टुवर्ड्स हिस्ट्री एंड द वे इट शुड बी प्रेजेंटेड हैव ऑल्टर्ड. जी, अब जो हिस्ट्री को कैसे प्रेजेंट किया जाए, लोगों का एटीट्यूड उससे मुतल्लिक कि चेंज हो चुका हुआ है. द कीवर्ड इन हेरिटेज डिस्प्ले इज नाउ एक्सपीरियंस. अब यहाँ पे जो उनसी मेन चीज है उसका नाम है तजर्बा. द मोर एक्साइटिंग द बेटर एंड इफ पॉसिबल इन्वॉल्विंग ऑल द सेंसेस. जी, अब जो एक्सपीरियंस है वो जितना ज्यादा होगा एक्साइटिंग एंड बेटर, बेहतर होगा. एंड इफ पॉसिबल, और अगर मुमकिन हो. ये इनक्लोजिंग डिटेल है जिसका कल जिक्र कर रहा था कि नॉन एसेंशियल क्लॉज के अंदर अगर दो कॉमों में आ जाए सबॉर्डिनेट कंजंक्शन, ये फ्रेज हम इस तरह लिख सकते हैं इसको. इन्वॉल्विंग ऑल द सेंसेस, जिसमें सारी सेंसेस को हम इस्तेमाल करते हैं. गुड एग्जाम्पल ऑफ दिस अप्रोच इन द यूके आर द जॉवरिक सेंटर इन यॉर्क. जी, इसकी एग्जाम्पल दी गई है जॉवरिक सेंटर यॉर्क में, नेशनल म्यूजियम ऑफ फोटोग्राफी, फिल्म एंड टेलीविजन इन ब्रेडफोर्ड के अंदर, एंड द इम्पीरियल वॉर म्यूजियम इन लंदन. ये तीन म्यूजियम्स की बात की गई है. एक और चीज मैं आपको बताऊं, ये वाला जो सेंटेंस है ये यहां से गुड एग्जाम्पल से लेकर यहां तक, इसको अपने पास लिख लें. इसमें थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे किस चीज को, के सेमी कॉलन का यूज कैसे होता है. ठीक है, ये सेमी कॉलन का एक यूज है, इसको फिर डिस्कस करेंगे. आज का लेक्चर भी पंक्चुएशन से मुतल्लिक है. इन द यूएस द ट्रेंड इमर्जेंस इमर्ज्ड मच अर्लियर. अमेरिका के अंदर जो ट्रेंड है वो काफी पहले जो उनसा इमर्ज हुआ. विलियम्सबर्ग हैज बीन अ प्रोटोटाइप फॉर मेनी हेरिटेज डेवलपमेंट्स इन अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड. प्रोटोटाइप किसको कहते हैं जी डॉक्टर अरुबा, व्हाट इज प्रोटोटाइप? सर ओरिजिनल फॉर्म, ओरिजिनल फॉर्म जैसे जो चीज अभी अंदर इंटीग्रेशन हो, अंदर एक्सपेरिमेंट हो, बीटा वर्जन जैसे हो.
हाँ जी, प्रोटोटाइप होता है मॉडल, प्रोटोटाइप होता है पूरी बिल्डिंग बनाई उसका छोटा सा जो सा मॉडल होगा ना उसको प्रोटोटाइप कहेंगे। ओरिजिनल का आप ये समझ लें कि एक स्केच हो गया या किसी उसकी मॉडल टाइप हो गया उसे प्रोटोटाइप कहेंगे। यूएस के अंदर ट्रेंड काफी पहले तो विलियम बर्ग्स, अच्छा ये नाम है, उसके बाद हैज बीन प्रोटोटाइप फॉर मेनी हेरिटेज डेवलपमेंट्स इन अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया के दूसरे हिस्सों में। नो वन कैन प्रेडिक्ट वेयर द प्रोसेस विल एंड, कोई बंदा नहीं कह सकता कि प्रोसेस कहाँ पे खत्म होगा। ऑन सो कॉल्ड हेरिटेज साइट्स द री इन इनेक्टमेंट ऑफ हिस्ट्री इवेंट्स इज इंक्रीजिंगली पॉपुलर एंड कंप्यूटर्स विल सून प्रोवाइड वर्चुअल रियलिटी एक्सपीरियंसेस। जी, सो कॉल्ड जो हेरिटेज साइट्स हैं और जिसमें हिस्टोरिकल इवेंट्स जो उनसे इंक्रीजिंगली पॉपुलर मशहूर हो रहे हैं, एंड कंप्यूटर्स और कंप्यूटर्स विल सून प्रोवाइड वर्चुअल रियलिटी, वो वर्चुअल रियलिटी कंप्यूटर्स जो उनसे हैं वो वर्चुअल रियलिटी दे रहे हैं एक्सपीरियंस की, विच विल प्रेजेंट विजिटर्स, जो विजिटर्स के सामने बताई जाती है विद अ विविड इमेज, एक क्लियर इमेज के साथ। विविड का वर्ड लिख लें अपने पास, विविड हो गया, ल्यूसिड हो गया, ये क्लियर के साथ है, क्लियर इमेज के साथ ऑफ द पीरियड ऑफ देयर चॉइस, अपनी जो चॉइस का पीरियड है टाइम, मतलब जिस वक्त वो देखना चाह रहे हैं कंप्यूटर्स की जो वो चीजें हैं वो क्लैरिटी के साथ उनको डिफाइन कर रही होती हैं। इन विच दे देमसेल्व्स कैन एक्ट एज इफ पार्ट ऑफ हिस्टोरिकल एनवायरनमेंट, तो ये वर्चुअली बेसिकली ऐसा लगता है जैसे आप उसके अंदर मौजूद हैं, जिस तरह 3D मूवीज आ रही है ना, जैसे आप उसके अंदर मौजूद हैं, तो इस तरह ऐसा फील होता है जैसे आप उसके अंदर मौजूद हैं। अच्छा, इसका ना इंट्रोडक्टरी सेंटेंस देखिए, इंट्रोडक्टरी सेंटेंस इस पैराग्राफ का है कि एटीट्यूड टूवर्ड्स हिस्ट्री एंड द वे इट शुड बी प्रेजेंटेड, हिस्ट्री को कैसे जाहिर किया जाता है उसकी तरफ एटीट्यूड और उसको प्रेजेंट कैसे किया जाता है वो तब्दील हो चुके हैं। वो तब्दील कैसे हो चुके हैं वो नीचे ये बताए जा रहे हैं कि हेरिटेज क्या है, कंप्यूटर की क्या है, फिर उसके अलावा उन्होंने डिफरेंट उस एग्जाम्पल्स दी ऊपर, यूके के अंदर नेशनल म्यूजियम के फोटोग्राफी के बारे में, फिल्म एंड टेलीविजन के बारे में जो ब्रेडफोर्ड के अंदर है, और इंपीरियल वॉर म्यूजियम के बारे में लंदन के बारे में, फिर अमेरिका की बात की। तो यहाँ पे उसी जो टॉपिक सेंटेंस था हमारा सेंट्रल आइडिया उसको फर्दर एक्सप्लेन किया जा रहा है। सच डेवलपमेंट्स हैव बीन क्रिटिसाइज्ड एज एन इनटॉलरेबल वल्गराइजेशन। जी, बाज ऐसी डेवलपमेंट्स को क्रिटिसाइज भी किया जाता है, बट द सक्सेस ऑफ मैनी हिस्टोरिकल थीम पार्क्स एंड सिमिलर लोकेशन सजेस्ट, लेकिन लोगों में उस में जो बढ़ती हुई मकबूलियत है उसकी, लोगों ने जो उसको एक्सेप्ट किया है, वो बताता है दैट मेजोरिटी ऑफ द पब्लिक डज नॉट शेयर दिस ओपिनियन, कि ये जो क्रिटिसिज्म हो रहा है ये मेजोरिटी नहीं है, चंद लोग इस पे ऐसे क्रिटिसिज्म कर रहे हैं। आगे चलते हैं जी, अब बी पैराग्राफ जो सा है इसका देखें कि क्या इसकी हेडिंग हो सकती है। फाइव के ऊपर तो आपने अंडरलाइन लगा लिया ना। अच्छा, कमर्शियल प्रेशर ऑन पीपल इन चार्ज, ऐसा कोई चक्कर नहीं है, किसी कमर्शियल प्रेशर की बात की गई नहीं। मिक्स्ड व्यूज ऑन करंट चेंजेस टू म्यूजियम, ये आखिरी लाइन जिसमें लिखा गया बताया गया कि जी लोगों की मुख्तलिफ राय है, ज्यादातर की नहीं है ऐसे, ये सेकंड नंबर जो है इसको जरा आप अंडरलाइन कर लें और सेकंड के सामने लिखें बी, यानी कि क्वेश्चन नंबर 27 जो है इसका आंसर 2 है। ठीक है, अच्छा अभी इसको छोड़ दें, अगर देखेंगे और तो नहीं लग रहा आपको। थ्री, इंटरप्रेटिंग द फैक्ट्स टू मीट विजिटर एक्सपेक्टेशंस, नहीं कोई एक्सपेक्टेशंस की बात नहीं की गई। इंटरनेशनल डायमेंशन की बात की गई है, नहीं बात की गई। कलेक्शन ऑफ, ये तो ऑलरेडी आ गया है। फ्यूअर डिफरेंसेस बिटवीन पब्लिक अट्रैक्शंस, लोगों की जो अट्रैक्शंस हैं यानी पब्लिक प्लेसेस हैं उनके अंदर में जो थोड़ा बहुत डिफरेंस है उसके बारे में बात की गई है, नहीं। करंट रिव्यूज एंड सजेशंस, करंट रिव्यूज और सजेशंस की बात की गई है, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। तो जब ये चीजें नहीं है करंट रिव्यूज और सजेशन की, तो ज्यादा जो उनसे सेकेंड, अगर लेट्स सपोज ये मैं कहता हूँ कि जी मुझे 7 भी लग रहा है, तो आपने 2 के सामने भी 27 लिखें और 7 के सामने भी 27 लिखें। हम आगे पढ़ते जाएंगे फिर आखिर में इसको फाइनल डिसाइड करेंगे। ये जहां पे आपको लग रहा है कि नहीं वाजह तौर पे इसका यही आंसर है, तो आपने उसी का आंसर लिखना है और आगे चल पड़ना है। चले जी, अब हम सी पैराग्राफ पे चलते हैं। अच्छा,
खास तौर पे आपने ये ज़हन में रखना है कि इंट्रोडक्टरी सेंटेंस क्या है, जनरल स्टेटमेंट क्या है, उसके अलावा सपोर्टिव सेंटेंसेस क्या है और कंक्लूडिंग लाइन क्या है। कंक्लूडिंग लाइन, इंट्रोडक्टरी सेंटेंस ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, सेंट्रल सपोर्टिव सेंटेंसेस जो होते थे वो तो उसको एक्सप्लेन कर रहे होते हैं। अच्छा, इन अ रिलेटेड डेवलपमेंट, इससे मिलती जुलती डेवलपमेंट में, द शार्प डिस्टिंक्शन बिटवीन म्यूजियम एंड हेरिटेज साइट्स ऑन द वन हैंड एंड थीम पार्क्स ऑन द अदर इज ग्रेजुअली एवेपोरेटिंग। कहता है कि जो फर्क है बिटवीन म्यूजियम और हेरिटेज साइट्स के अंदर, म्यूजियम में और हेरिटेज साइट, हेरिटेज क्या, सकाफती वर्षा, इसको यूं समझ लें जैसे मुंजदाड़ो, हड़प्पा, ये हेरिटेज साइट्स जोनसी हैं, ये कोई ऐसी जगह जोनसी पुरानी हमें मिल जाती है। कहता है कि जो डिफरेंस है म्यूजियम में और हेरिटेज साइट्स में, ऑन द वन हैंड एक तरफ एंड थीम पार्क्स ऑन द, और थीम पार्क्स के अंदर दूसरा, इज ग्रेजुअली इवेपोरेटिंग, वो खत्म होता नजर आ रहा है। दे ऑलरेडी बोरो आइडियाज एंड कॉन्सेप्ट्स फ्रॉम वन अनदर, एक दूसरे से आइडियाज ले रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल म्यूजियम्स have adopted storylines of exhibitions, sites have accepted theming as a relevant tool, and theme parks are moving towards more authenticity and research-based presentation. Theme parks के अंदर क्या चीजें add हो रही हैं, वो authentic चीजों को ज्यादा लाने की कोशिश कर रहे हैं और research-based presentation को present कर रहे हैं, ऐसी हवा में से खुद से कोई चीजें नहीं बना रहे। दूसरी तरफ जो museums हैं वो क्या कर रहे हैं, story lines, एग्जीबिशन कहते हैं नुमाइश की, वो उसको लेके आ रहे हैं। साइट्स हैव एक्सेप्टेड थीमिंग एज रेलेवेंट टूल, वो थीमिंग, वो कह रहे हैं कि जी थीम इसका होना चाहिए, एक जरूरी चीज है, यानी कि दोनों के अंदर जो आइडियाज हैं वो मिक्स हो रहे हैं। जू के अंदर एनिमल्स आर नो लॉन्गर केप्ट इन केजेस, जू में जानदार अब वो केजेस में नहीं है बट इन ग्रेट स्पेस, खुली जगहों पर रखे जाते हैं, इधर इन द ओपन एयर और इनॉर्मस ग्रीन हाउसेज, ओपन एयर या फिर बड़े बड़े ग्रीन हाउसेस के अंदर, सच एज द जंगल एंड डेजर्ट एनवायरनमेंट इन बर्गर जू इन हॉलैंड। अच्छा बच्चे, ये ना एक काम करें, ये जहां पर एग्जांपल कोड करते हैं ना, ये नॉन एसेंशियल क्लॉज है, सच एज वाली एडिशनल इंफॉर्मेशन है, एंडिंग डिटेल है, इसको आप देखें। इस तरीके से हम राइटिंग के अंदर भी एग्जाम्पल्स अपनी कोड कर सकते हैं। दिस पर्टिकुलर ट्रेंड इज रिगार्डेड एज वन ऑफ द मेजर डेवलपमेंट्स इन द प्रेजेंटेशन ऑफ नेचुरल हिस्ट्री इन द 20th सेंचुरी। 20वीं सदी के अंदर नेचुरल हिस्ट्री के अंदर ये एक डेवलपमेंट कंसीडर की जाती है, बड़ी डेवलपमेंट कंसीडर की जाती है। आपने क्या लिखना है यहाँ पे राइटिंग के हिसाब से, दिस पर्टिकुलर ट्रेंड इज रिगार्डेड, ठीक है ना। अब रिगार्डेड का वर्ड है, ये ना लिखें कि दिस पर्टिकुलर ट्रेंड इज नोन एज, ठीक है ना, वी विल कंसीडर दिस पर्टिकुलर, मतलब ये जो एक्सप्रेशन है ना कि जिस तरह इन्होंने लिखा हुआ है, इनको अपनी राइटिंग के अंदर आपने इस्तेमाल करना है और इसी तरीके से इसको डेवलप करना है। तो सी पैराग्राफ है जी, सी पैराग्राफ में देखें कि वट वुड बी द, मिक्स्ड व्यू वाला तो हो गया था, कमर्शियल प्रेशर कोई बात नहीं, इंटरप्रेटिंग द फैक्ट्स टू मीट विजिटर एक्सपेक्टेशंस, विजिटर एक्सपेक्टेशंस और फैक्ट्स की बात नहीं की गई, इंटरनेशनल डिमेंशन, हाँ एक बड़ी डिमेंशन वो बन रही है, एक बैनुल अवानी नहीं, अच्छा इसको डिमेंशन करो आप, एंगल जहत, जहत की बात करेंगे, कलेक्शन ऑफ फैक्चुअल एविडेंसेस कोई बात नहीं की गई, फ्यूर डिफरेंस बिटवीन पब्लिक अट्रैक्शन, पब्लिक अट्रैक्शन में थोड़ा सा डिफरेंट जी, ज्यादा नहीं लग रहा जहां पे कहा गया, हाँ जी सिक्स, हाँ जी हाँ जी सिक्स के वो हमें इंट्रोडक्टरी सेंटेंस से पता लगा, समझ आ गई बात, के सामने आप लिख लें सी पैराग्राफ। अब हम नीचे चलते हैं डी में और साथ साथ ना हमने नोट्स बनाते जाने। अब यहाँ पे ये था, मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट सेकंड और थर्ड आपने पढ़ लिया, उसके साथ ये देखें कि आप कंपेयर टुडेज म्यूजियम दोज ऑफ द पास्ट, आजकल के पुराने जमाने के म्यूजियम के साथ कंपेरिजन, अभी मेरे ख्याल में कोई ऐसी डिस्कशन नहीं आई। आपने ये देखना है कि कोई ऐसी डिस्कशन है तो फिर आपने एमसीक्यू साथ साथ अटेम्प्ट करते जाने। अकॉर्डिंग टू द राइटर करंट ट्रेंड्स इन हेरिटेज इंडस्ट्री,
Emphasis personal environment hai. Writer says the museum, heritage sites and theme parks. Ye ji 33 wala question hai. Achha, often work in close partnership. Wo partner ban gaye. A. Try to preserve separate identity. Apni alag alag identity batana cha rahe hain. Have similar exhibits. Ikatthi numaishen karte hain. Are easy to distinguish than before. Ab unke darmiyan mein farak karna mushkil ho gaya. Bataye isme se kaun sa. Abhi maine ye paragraph padha hai. 33 wala. D. Dr. Aisha, aap bataye. See? Similar exhibits hain. Wo niche likha hota are less easy. Ab mushkil hai, less easy mushkil hai ki unme hum farak kar saken. D is ka answer hai. 33 ka answer D hai. Theek hai? Ab dekhe na, often work in close partnership. Koi partnership nahi ho rahi uske andar. Partnership ka agar kahin word hai na, to usse confuse nahi hona uske andar na, paragraph ke andar. Try to preserve separate identities. Aisa bhi nahi hai, ulti baat ki ja rahi hai. वो evaporation वाली जो word है ना, वो जब सादिया ने बताया कि evaporates हो रहे हैं, उसके अंदर ये सारी बात की जा रही है. चलें जी, हम आते हैं deep paragraph में, फिर आगे discuss करते हैं. कुछ आपने करना है, मैं आपके लिए छोड़ूंगा, but साथ साथ discuss भी मैं करता जाऊं. जी deep paragraph. जी, theme parks are undergoing other changes. कुछ मजीद तब्दीलियां आ रही हैं उसके अंदर. As they try to present more serious social and cultural issues. मिसाल के तौर पे वो कुछ serious social, माशरती और cultural issues को present करने की कोशिश कर रहे हैं. Theme parks को, ये theme park से मुतालिक बात की जा रही है. इसका आपके पास highlighter है या pencil है, तो first line जो चाहिए ना, हर पैसेज की, खास तौर पे लिस्ट ऑफ हेडिंग की, उसको जरा अंडरलाइन करना है, उसको गौर से पढ़ना है, क्योंकि वहां पे ना इंट्रोडक्टरी सेंटेंस होता है. अगर यहाँ पे ऑन द अदर हैंड हो या अदरवाइज हो, तो फिर आपने उसको पीछे वाले पैराग्राफ से रिलेट करना है. अगर कोई ओपनिंग फ्रेज में या कोई ऐसी बात नहीं है जिसमें ऊपर वाले की लिंकिंग है, तो पहली लाइन उसका सेंट्रल आइडिया होगी. सेंट्रल आइडिया को मिस नहीं करना. टॉपिक सेंटेंस होता है जो इंटरनेशनली जब हम लिखते हैं कुछ भी, तो उसके अंदर हम उसको ऐसे डेवलप करते हैं. दिस डेवलपमेंट इज अ रिस्पांस टू मार्केट फोर्सेस. अब वो कह रहा है कि ऐसा क्यों हो रहा है मार्केटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से. ऑल द म्यूजियम एंड हेरिटेज साइट्स हैव अ स्पेशल रेदर डिस्टिंक्ट रोल टू फुलफिल. दे आर आल्सो ऑपरेटिंग इन अ वेरी कंपेटिटिव एनवायरमेंट. वो कह रहा है म्यूजियम भी है मौजूद, और उसके अलावा हेरिटेज साइट्स भी हैं, लेकिन कंपटीशन की वजह से ऐसा हो रहा है. क्या हो रहा है कि तब्दीलियां आ रही हैं, चेंजेस आ रही हैं, और वो ज्यादा सीरियस सोशल और कल्चरल इश्यूज को प्रेजेंट कर रहे हैं, और फैंटेसी से दूर होते जा रहे हैं. थीम पार्क के अंदर फैंटेसी है ना. जैसे थीम पार्क क्या होता है, किसी को आइडिया है थीम पार्क का? फ्रीहा, थीम पार्क का पता है? थीम पार्क क्या होता है? पाकिस्तान में तो कोई थीम पार्क नहीं. हलीमा सर, ये इंग्लैंड में है. अच्छा, क्या है? लंदन में. क्या है बताएं सर? पार्क है. पार्क है? अच्छा, वो जैसे ना पार्क ही है. मैं बताता हूँ ना, जैसे वहां पे डायनासोर्स हैं, जैसे कोई ऐसी चीज, आई थिंक बटरफ्लाई पार्क जैसे है हमारे यहाँ, एक ही चीज होती है, एक ही थीम होता है. एक काम करना है, अपने आइंदा याद रखिएगा, खास तौर पे जहां पे ना नाउन है ना, नाउन ये लें जी. सर, ऐसा पार्क जिसका कोई मौजू हो, जिसके जो कंस्ट्रक्शन है वो किसी मौजू के तहत की गई हो, उसको थीम पार्क कहेंगे. इसमें बकायदा थीम पेश किया गया है. अच्छा, जैसे कि एक आप आइलैंड में चले जाते हैं, वहां पे कोई डायनासोर्स हैं, ठीक है ना. जैसा कि आप किसी जगह पे चले जाते हैं, वहां पे जैसे कोई आसमानी, कोई झूले किस्म की चीज है. वैसे तो सब में इनमें कॉमन वो है, लेकिन आम तौर पे थीम पार्क्स के अंदर ये होता है कि कोई ना कोई उसका वो होता है बेसिकली. जैसे कि अब ये वाटर पार्क है, ये भी थीम पार्क है. ये देखें, ये डायनासोर का मैं जिक्र कर रहा था, तो यहाँ पे डायनासोर्स इस पूरे पार्क के अंदर
جو مین ڈومینیٹنگ چیز ہوگی وہ ڈائناسور یا اس سے زیادہ اس سے ریلیٹڈ چیزیں ہوں گی. تو یہ تھیم پارک ہے. ٹھیک ہے جی. اگر کوئی سائنس فکشن ہے مثلا یہ کوئی اس کے اندر سائنٹیفک چیزیں ہوں گی پوری تھیم پارک کے اندر. سب دروازہ بند کر دیں. اچھا چلیں جی, واٹس کم بیک, واپس آتے ہیں پوائنٹ کے اوپر. وہ کہہ رہا ہے وہ فینٹیسی سے ہٹ گئے ہیں. فینٹیسی ہوتی ہے نا یہ ڈائنوسور یہ وہ ساری چیزیں, وہ فینٹیسی سے ہٹتے جا رہے ہیں اور وہ دوسری چیزوں کو لا رہے ہیں. اور دوسری چیزیں لانے کا مقصد کیا ہے؟ کمپٹیشن. مارکیٹ میں کمپٹیشن ہے, ادھر بندے کم آ رہے ہیں ادھر زیادہ جا رہے ہیں. میوزیم والوں کا, ہیریٹیج سائٹس والوں کے ساتھ اور تھیم پارک والوں کا, ان کا آپس میں کمپٹیشن ہے. پیسہ پیسہ انوالو ہو گیا. ہیریٹیج اینڈ میوزیم ایکسپرٹس ڈو ناٹ ہیو ٹو انوینٹ اسٹوریز. میوزیم کا کیا تعلق ہے اسٹوریز بنانے سے, یا ہیریٹیج والوں کا کیا تعلق ہے اسٹوریز بنانے سے؟ اینڈ ریکریٹ ہسٹوریکل انوائرمنٹ ٹو اٹریکٹ دیئر وزٹرز. اور ان کا کوئی ایسا بھی کام نہیں ہے کہ وہ ہسٹوریکل انوائرمنٹس کو اکٹھا کریں کہ وزٹرز کو اٹریکٹ کریں. دیئر ایسٹس آر آلریڈی ان پلیس. ان کی جو چیز ہے وہ تو وہاں موجود ہے, لیکن ایگزیبٹ لکھ لیں نمائش کو کہتے ہیں. ہاور ایگزیبٹس مسٹ بی بوتھ بیسڈ آن آرٹیفیکٹس اینڈ فیکٹس ایز وی نو دیم. اب وہاں پہ وہ جو گملے شملے اور اس طرح کی چیزیں اور وہ جو ڈفرینٹ قسم کے ٹولز, پوٹری, پی او ٹی آر وائی, یہ بھی لکھ لیں, برتن ہوتے ہیں مٹی کو اس کو کہتے ہیں, اس طرح کی چیزیں وہاں پہ پڑی ہوں گی پرانی. ٹھیک ہے, بس ان کا مقصد تو یہ بتانا ہے, فیکٹس بتانا ہے, بجائے اس کے اسٹوری لائن ڈیزائن کرنا شروع کر دیں. Those who are professionally engaged in the art of interpreting history are thus in a difficult position. اب وہ جو پروفیشنل لوگ ہیں جو کہ آرٹ کو بتا رہے ہیں, آرٹ آف انٹرپریٹنگ ہسٹری, آرٹ سے ہسٹری کو بتا رہے ہیں, ان کے لیے بڑی مشکلات ہو رہی ہیں. ایز دے مسٹ اسٹیئر, اسٹیئرنگ ہوتا ہے نا, اسٹیئرنگ سے اسٹیئر, اسٹیئر ڈائریکشن مطلب آگے لے کے چل رہے ہیں. انہیں اسٹیئر اے نیرو کورس بٹوین دا ڈیمانڈز آف ایویڈینس اینڈ اٹریکٹیونیس. اب دو چیزیں آ گئی ہیں, ایک تو کہ ڈیمانڈ آف ایویڈینس ہے, ثبوت, ریسرچ, امپیریکل ایویڈینسز, اس پہ کام کر رہے ہیں, اور اٹریکٹیو بھی کرنا ہے, لوگوں کو اپنی طرف کشش بھی کرنی پیدا کرنی ہے. اسپیشلی گیون دا انکریزنگ نیڈ ان دا ہیریٹیج انڈسٹری فار انکم جنریشن ایکٹیویٹیز. انکم جنریشن ایکٹیویٹیز کے پوائنٹ آف ویو سے کمرشل فیکٹر کی بات کی جا رہی ہے. ڈی آگے جی, اوپر آئے واپس. ڈی کے اندر ہم دیکھتے ہیں یہ پیراگراف ڈی, کوشچن نمبر 29 ہے جی. اب دیکھیں کمرشل پریشر آن پیپل ان چینج. پہلا سوال سیدھا ٹھک, پیسہ, کمرشل پریشر, کوشچن نمبر 29, لسٹ آف ہیڈنگ نمبر 1. سمجھ آ گئی؟ اب مجھے دل بھی نہیں کر رہا کچھ اور پڑھنے کو, پڑھ لیں. کرنٹ ریویو سجیشن یہ نہیں, جو آپ کے خیال سے ٹھیک ہوتا جا رہا ہے نا, اس کے اوپر ایک پینسل سے لائن پھیرتے جانا ہے, اور اس کے سامنے نا کوشچن کے سامنے, ہیڈنگ کے سامنے کوشچن نمبر آپ نے لکھتے جانا ہے. میں نے آپ کو ایک بات بتائی تھی بالکل ڈے ون میں, سب سے پہلا کام اپنا سکور انکریز کرنا ہے. ٹائم مینجمنٹ سیکنڈری, انڈرسٹینڈنگ پیٹرن پلس انکریزنگ, ڈیولپنگ یور ووکیبلری پلس امپروونگ یور رائٹنگ اسٹرکچر پلس امپروونگ یور ووکیبلری پلس یہ ساری ریٹیننگ انفارمیشن, یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ آپ نے ڈیولپ کرنی ہے. جب یہ چیزیں ڈیولپ ہو جائیں گی, آپ 2 گھنٹے کے اندر 40 میں سے 37 ٹھیک کر لیں گے, پھر ہم ٹائم کو کنٹرول کریں گے. ٹائم کو پہلے نہیں کنٹرول کرنا, پہلے آپ ٹائم پہ آنا جائیں کہ جی یہ 20 منٹ کے اندر ہو, اس کو چھوڑ دیں. ایک پیسج کرنا ہے, 3-3 پیسج نہیں کرنے. ہیومن مائنڈ کی کیپیسٹی ہوتی ہے, ڈفرینٹ ریسرچز یہ بتاتی ہیں دنیا میں کہ آپ میکسیمم 20-25 ورڈز اور 5-10 ورڈ آئیڈیل ہیں ڈیلی یاد کرنے کے لیے. اس سے زیادہ یاد کریں گے تو آپ ریٹین نہیں کر پائیں گے اس کو 100%. جب 5-7 دن گزر جائیں گے نا, آپ 35 ورڈ کر رہے ہیں, 10 دن کے بعد 350 ورڈ سارے مکس مکس ہونا شروع ہو جائیں گے. 5 ورڈ جو ہیں نا وہ, یا اس لیے نا ہماری لمیٹیشنز بھی ہیں نا, جیسے میں انکیوبیشن ٹائم کہتا ہوں اسی طرح ہماری لمیٹیشنز ہیں. لینگویج از سم تھنگ, لینگویج ایکوزیشن ہے, دس از ناٹ سم تھنگ وچ از
called learning, learning से पढ़ के acquisition. चलें अब हम आते हैं ई पैराग्राफ में, एफ में, और उसके बाद फिर आपकी बारी स्टार्ट हो जाएगी. हर पैराग्राफ की हेडिंग आप ऊपर लिख लेंगे, आपको पता लग जाएगा कि किस तरह की इंफॉर्मेशन इसके अंदर मौजूद है. साथ से हर पैराग्राफ के राइट लेफ्ट साइड पे छोटे छोटे नोट्स बनाते जाए. ई पैराग्राफ में हम लोग आ जाते हैं. इट कुड बी क्लेम्ड, ये क्लेम किया जा सकता है, दैट इन ऑर्डर टू मेक एवरीथिंग इन हेरिटेज मोर रियल, हिस्टोरिकल एक्यूरेसी मस्ट बी इंक्रीजिंगली ऑल्टर्ड. तो चीजों को रियल बनाने के लिए, ठीक है ना, हिस्टोरिकल एक्यूरेसी, जो हिस्टोरिकल एक्यूरेसी है उसको तब्दील किया जा रहा है. फॉर एग्जाम्पल, अब ये नाम उन्होंने दिया हुआ है, इज डिपिक्टेड एज इन एन इंडोनेशियन म्यूजियम विद मलाय फेशियल फीचर्स बिकॉज दिस कॉरेस्पॉन्ड्स टू पब्लिक परसेप्शन. जी, अब वो मलेशिया के कोई फेशियल फीचर्स के साथ उसकी कोई उस एसोसिएशन की जा रही है इंडोनेशियन म्यूजियम के अंदर, क्योंकि ये लोगों की जो परसेप्शन है वो उसके मुताबिक है. इसी तरीके से इन द म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री इन वॉशिंगटन, अब ये नेंड्रल मैन इज शोन मेकिंग अ डोमिनेंट जेस्चर टू हिज वाइफ. अब वो कोई बंदा बनाया गया कि जो ऐसे लग रहा है जैसे डोमिनेट कर रहा है. ऐसी प्रेजेंटेशन जो सी हैं हमें बताती हैं कंटेम्प्रेरी परसेप्शंस ऑफ द वर्ल्ड. कंटेम्प्रेरी कहते हैं हम असर, हमारे जो इस वक्त लोगों की जो परसेप्शंस हैं वो क्या हैं जो ये तब्दीलियां हो रही हैं. देन अबाउट आवर एंसेस्टर्स, हम लोग क्या सोचते हैं हमारे अपने एंसेस्टर्स के बारे में, वो जो हम सोच रहे हैं ना, मिसाल के तौर हम सोचते हैं जो पहले पहले बड़े नेक थे तो हम दाढ़ियां और इमामे और कुर्ते और इस तरह की चीजें ना हमारे दिमाग में आती हैं कि जी हमारे बाजदाद, अब हकीकत में वो कैसे थे 18वीं सदी में, 16वीं सदी में, 17वीं सदी में, पाकिस्तान में कैसे थे, हिंदुस्तान में कैसे थे, अरब के अंदर कैसे थे, इराक में कैसे थे, वो वहां के जो एविडेंसेस हैं, जो हिस्ट्री है, वो जो भी है, हमारी जो परसेप्शन है उसके अकॉर्डिंगली चीजों को चेंज किया जा रहा है. समझ आ रही ना बात, जैसा हम देखना चाह रहे हैं. हालांकि वो जो एविडेंसेस हैं बेशक बिल्कुल अजीब और गरीब ही उल्टे सीधे मिल रहे हैं हमें. बहरहाल आगे चलते. देयर इज वन कंपनसेशन हाउएवर फॉर द प्रोफेशनल्स हु मेक दीज इंटरप्रिटेशंस. एक कंपनसेशन, कंपनसेट किया जा रहा है एक्सपर्ट्स को जो कि ऐसी इंटरप्रिटेशंस बनाते हैं. इफ दे डू नॉट प्रोवाइड इंटरप्रिटेशन, अगर वो इंटरप्रिटेशन ना प्रोवाइड करें, विजिटर्स वुड डू इट फॉर देमसेल्फ, तो फिर विजिटर ना खुद से बनाना शुरू कर देंगे बेस्ड ऑन देयर ओन आइडियाज और मिसकंसेप्शंस एंड प्रेजुडिसेस. अपनी बायसनेस को ज़ेहन में रखते हुए, अपनी मिसकंसेप्शंस को ज़ेहन में रखते हुए, जो मेरी अपनी आइडियोलॉजी है तो मैंने अपने से खुद से स्टोरी बनाना शुरू कर देनी है. ये बात जो ना चले कुछ समझ आती है कि चले उनकी तरफ से जो बनी स्टोरी है उसमें वो कुछ ना कुछ तो नॉलेज रखते हैं ना उसके बारे में, बजाय इसके कि हम अपने प्रेजुडिसेस के ऊपर चीजें बनाना शुरू कर दें. And no matter how exciting the results, it would contain a lot more bias than presentations provided by experts. और ऐसे करने से क्या होगा, जो भी रिजल्ट होगा, how exciting the result, रिजल्ट बहुत अच्छा भी हो, it would contain a lot more bias, इसमें biasness आ जाएगी, मेरे अपना view आ जाएगा, मेरी तरफदारी आ जाएगी, मेरा झुकाव आ जाएगा. अच्छा, दो चीजें लिख लें अपने पास, bias for और biased against. जब आप किसी चीज के मुखालिफ किसी चीज की हिमायत में जाते हैं तो उसका मतलब है बायस्ड अगेंस्ट. बायस्ड फॉर जब आप किसी चीज की हिमायत में तरफदारी करते हैं, आपका झुकाव हो जाता है. बायस्ड व्यू भी होता है, ठीक है ना. बायस्ड व्यू का मतलब ये कि आप सही ओपिनियन नहीं दे रहे, जजमेंटल में आप रॉन्ग हो गए. तो ई पैराग्राफ देखें जी क्या है, वापस चलते हैं. अब मैं नहीं बोलूंगा, जरा आपने खुद ही बताना है. तो जिनका हो गया उस पे मुझे ये बताओ तुम, क्वेश्चन नंबर 30 है ई पैराग्राफ, आप लोग पहले से तो नहीं करके बैठे होते हैं? अगर करके बैठे होते ना फिर जरा अपना नॉलेज और इन्फॉर्मेशन ना होल्ड करके रखा करें, बाकियों को कर लेने दे. मतलब आपने सर ये कंटेम्प्रेरी का जो वर्ड इस्तेमाल किया ये करंट से क्या कहते हैं मैच नहीं होता, इसको 7 को नहीं उठाएंगे इस लिहाज से. फ्यू डिफरेंसेस पब्लिक ट्रैक्शन नहीं, ये नहीं आ रहा, उसने सही बताया है.
30 का थ्री आंसर है. इंटरप्रेटिंग द फैक्ट्स टू मीट विजिटर्स एक्सपेक्टेशन. विजिटर्स की एक्सपेक्टेशन के हिसाब से सारी चीजें चेंज हो रही है ना, फैक्ट्स को इंटरप्रेट कर रहे हैं. विजिटर्स की एक्सपेक्टेशंस जो हमारे कंटेम्परेरीज हैं, जो लोग वहां पे रह रहे हैं, उनकी परसेप्शन के हिसाब से चीजों को चेंज किया जा रहा है. बस सीधा सीधा है, ठीक है. चलें जी, अब मैं आखिरी पैराग्राफ. ई का थ्री है ना सर. 35th MCQs भी है इसी का पैराग्राफ ई का ही दिया है. हाँ जी, हाँ जी, MCQs भी है. अब मैं जरा पढ़ रहा हूँ. एक्चुअली मेरा पर्पस ये होता है कि आपको कुछ सपोर्ट दे दी जाए, उसके बाद आप इसको पूरा अटेम्प्ट करें खुद से, और कुछ चीजें छोड़ दी जाए तो आप लोगों के लिए. लिस्ट ऑफ हेडिंग जरा डिफिकल्ट होती है, इसलिए मैं सारी करता जा रहा हूँ. अब जरा MCQs करें, नीचे ट्रू फॉल्स नॉट गिवन खुद करें और अपने पास पढ़ के फिर मेरे से अपना स्कोर शेयर करें ग्रुप के अंदर. अभी मैं इसको कंप्लीट कर लूँ ना. ह्यूमन बायस इज इनएविटेबल. ह्यूमन बायस नागुजीर चीज है, इनएविटेबल होनी है. बट अनदर सोर्स ऑफ बायस इज इन द रिप्रेजेंटेशन ऑफ हिस्ट्री हैज टू डू विद ट्रांजिटरी नेचर ऑफ द मटेरियल्स देमसेल्व्स. तो दूसरी जो बायस है वो क्या है हिस्ट्री की रिप्रेजेंटेशन में, हैज टू डू विद द ट्रांजिटरी, मुंतकिल होना मटेरियल का खुद से. अब ये क्या चीज है, ये इंट्रोडक्टरी लाइन थी, नीचे देखते हैं अब क्या कहते हैं. सिंपल फैक्ट इज दैट नॉट एवरीथिंग फ्रॉम हिस्ट्री सर्वाइव्स द हिस्टोरिकल प्लेसेस. हर चीज नहीं मौजूद वहां पे जगहों पे, हिस्टोरिकल प्रोसेस के अंदर हर चीज जो सी है. सिंपल फैक्ट इज दैट नॉट एवरीथिंग फ्रॉम हिस्ट्री, हर चीज तारीख से बची नहीं है हिस्टोरिकल प्रोसेस के अंदर. कैसल्स पैलेसेस एंड कैथेड्रल्स have a longer lifespan. किले महलात और चर्च वगैरह जो से हैं उनका लाइफ स्पैन ज्यादा था than the dwelling of ordinary people, आम लोगों के वहां पे रहने से. The same applies to the furnishing and other contents of the premises. यही चीज जो सी है बाकी चीजों पे भी अप्लाई होती है. In a town like Leiden, Holland की बात अब देखो कितने प्यारे तरीके से लिखते हैं. For instance, for example, उसने एग्जाम्पल देना शुरू कर दिया आगे. तो जो IELTS राइटिंग टास्क 2 है ना, बिल्कुल एग्जैक्टली डिटो चीजें इस्तेमाल हो रही थी उसके अंदर. अगर आपका दिमाग चल रहा हो तो किसी भी पैराग्राफ को पिक करें, फॉर्मेट बना लें खुद से. चलें एनीवेज, इन अ टाउन लाइक लेडन इन हॉलैंड, हॉलैंड के अंदर, विच इन द 17th सेंचुरी वॉज ऑक्यूपाइड बाई अप्रोक्सीमेटली द सेम नंबर ऑफ इनहेबिटेंट्स. इनहेबिटेंट्स वहां के रिहायशियों को कहते हैं, ठीक है जी. एज टूडे पीपल लिव्ड विद इन द वॉल्ड टाउन एन एरिया मोर देन 5 times स्मॉलर देन द मॉडर्न लेडन. जैसे लाहौर की बात है ना, लाहौर में पुराने लाहौर के अंदर लोग रहते थे, वो 12 जो 7 दरवाजे हैं उसके अंदर, ठीक है ना. तो इसी तरह बताई जा रही है कि वहां पे वो जो वॉल्ड टाउन था वहां पे लोग रहते थे, जो अब उस शहर के अंदर तो फैल गया काफी ज्यादा. इन मोस्ट ऑफ द हाउसेज सेवरल फैमिलीज लिव टूगेदर इन सर्कमस्टांसिस बियॉन्ड आवर इमेजिनेशन. तो मोस्ट केसेस में अक्सर फैमिलीज इकट्ठी रहा करती थी जो कि हम सोच भी नहीं सकते. येट इन म्यूजियम फाइन पीरियड रूम्स गिव ओनली एन इमेज ऑफ द लाइफस्टाइल. अब वो जो कमरे हैं वो सिर्फ एक लाइफस्टाइल के बारे में बताते हैं अपर क्लास की. नो वॉन्डर दैट पीपल हु स्ट्रोल अराउंड एग्जीबिशंस आर फिल्ड विद नॉस्टैल्जिया. नॉस्टैल्जिया क्या चीज है ये देखना पड़ेगा एक सेकेंड. With the evidence in museum indicates that life was so much better in the past. जी वो ये बताती है कि जिंदगी पहले बहुत बेहतर होती थी. The notion is induced by the bias in representation. वो कह रहा है, ये example दे रहा है कि जो biased view है वो कैसे develop होता है, ठीक है ना. अब nostalgia मेरे जेन में था, निकल गया, दोबारा देखते हैं जरा. नॉस्टैल्जिक तो माजी की यादों में खोने को कहते हैं ना. अच्छा अच्छा सर, माजी ट्रस्ट को नहीं कहेंगे जो माजी को याद करता रहता हो हाल में भी, तो माजी में ऐसा था वैसा था. अ सेंस वेव पैंग ऑफ नॉस्टैल्जिया, अ सैड फीलिंग मिक्स्ड विद प्लेजर व्हेन यू थिंक ऑफ हैप्पी टाइम्स इन द पास्ट.
ये सेंटिमेंट है बेसिकली, जब हमारे खुशी भी होती है कभी कभी, गम भी होता है, जब हम पुराने टाइम को याद करते हैं उसके उसके बारे में बात की जा रही है। एनीवेज कंप्लीट हो गया हमारा, ट्रांसलेशन कंप्लीट हो गई है इसकी, वो बन जाएगी अभी, रिकॉर्डिंग आ जाएगी। शेड्यूलिंग का क्या मीनिंग है? ड्यूएल शेड्यूलिंग्स W double L I N G during quarterly paper. सेकंड यारो, कहाँ पे सही डायरेक्ट, का फोर्थ लाइन है सर, इसी एफ पैराग्राफ की सर, कौन से जहाँ पे कैथेड्रा फोर्थ लाइन है सर, लाइन? कैथेड्रल्स हैव अ लॉन्गर लाइफ स्पैन देन द ड्यूलिंग्स ऑफ ऑर्डिनरी पीपल. डवेल, डवेल कहते हैं बसना, डवेल DWEL, बसना हाँ, डवेलिंग ऑफ ऑर्डिनरी पीपल। जी सर, थैंक ओके okay, बच्चों अभी थोड़ी देर में आपके राइटिंग का लिंक आ जाएगा, और इस वक्त कोई नया स्टूडेंट है कुछ पूछना चाह रहा है तो मुझसे पूछ सकते हैं रिगार्डिंग दिस। पुराने स्टूडेंट्स का तो आइडिया है, अब बिल्कुल जीरो से स्टार्ट हो जाएगा मंडे से इंशाल्लाह ताला, और 11 बुक स्टार्ट हो जाएगी। और ये कॉलर टू कौन है जरा बता दें। नईम साहब, कुछ चीजों की समझ आई है आपको? यस सर. अच्छा, ये ना ये किस तरह चलता है, एक्चुअली मेरे पास पूरी रेंज है, यहाँ पे PhD डॉक्टर्स भी हैं, दूसरे सब्जेक्ट्स के भी हैं, MBBS डॉक्टर्स भी हैं, और ऐसे बच्चे भी बैठे हुए हैं जिन्होंने BSc, BA, FSc की हुई है, तो मुझे सबको साथ लेके चलना पड़ता है। मुझे मतलब एडवांस चीजें भी डिस्कस करनी होती हैं और बेसिक चीजें भी डिस्कस करनी होती हैं, और ये मसला ये है कि सबका इकट्ठा ही पेपर होता है, एक वाहिद आइट्स पेपर है जिसमें ये नहीं देखा जाता है बंदा मैट्रिक है या PhD है, तो सबको एक ही जगह बैठा दिया जाता है। चलें जी, अल्लाह हाफिज।